गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के बज गए 10, तो अभी एक फटाक से जबरदस्त चाय पी लेते हैं पहले। तो भैया लड़की सुबह सुबह काम कर रही है, क्या काम कर रही है आप? कपड़े सारे लपेट के रख रही हूँ और ये जो कपड़े हैं बांधूंगी प्रेस के लिए। चीको सुबह सुबह कुछ खाना भी होता है, सुबह सुबह उठा लेता है, क्या खा रहा है ये? चोकोस अच्छे होते बच्चों के लिए, पक्का? तो नितिन भाई को काफ़ी बार समझा रखा है कि काम बाद में कर लिया कर, पहले चाय पी लिया कर। बहुत बार बोल रखा है, बोली मैंने इसको ना। हाँ हमेशा बोलती हूँ आप ये। तो कल जाना हमें किसी जागरण में, तो हमारे कपड़े रेडी है, दोनों बाप बेटा पहनेंगे येलो सेम सेम, और मैं और पायल भी पहनेंगे सेम सूट, पर हमारा जो सूट है वो भी आया नहीं है, आएगा। तो कल शांति ने फुल तूफानी की, घर जाके पति ने डांटा था, नहीं पापा मेरा गोल्डन बटन कब लगेगा? इस आदमी को पकड़, इससे पूछ गोल्डन बटन कब लगेगा। अभी लगा रहा, अभी एक मिनट। यहाँ पर सब चाय वाय पी रहे और किसी ने मुझे अब तक चाय नहीं दी। गोलू यार अच्छी बात थोड़ी है ये। बैठो तो सही। तीन बारी बोल दिया मैंने तेरे को चाय दे दे, चाय दे दे। शांति चाय लेकर आओ, बना रही हूँ, देख सुन लिया। दे अच्छा दिखा, चाय दिखा, गहरी चाय, आपकी चाय बची हुई है। देखो गाइस इसके अंदर चाय नहीं, झूठ बोला इस लड़की ने, झूठ बोला नहीं, गहरी चाय है चाय, इसमें थोड़ा दूध डालेंगे हम। चीकू मेरे को चाय नहीं देते टाइम पे, अच्छी बात है? नहीं गलत बात है ना। हाँ जी। थोड़ा बोलो यार। मम्मा हाँ जी बेटी, चाय क्यों नहीं बनाते? बेटा टाइम से बनाती हूँ। आज बेटा वो है ना सैटरडे है, आज छुट्टी थी, मैं लेट उठी आराम से, आप स्कूल नहीं गए। हाँ सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, पता नहीं है? और ट्यूशन के भी शर्म आती है? दो दिन से ट्यूशन नहीं गया, शर्म आती है बोलते हुए? अभी आपके सामने चीज पेश होने वाली है। अरे ये हो चुकी है पहले पेश, तूने अभी दोबारा मत कर। लगाना है अभी वो आ रहा जीको। पता तो हमारे सामने है गुड्डू उठे पूरे 9 बजे। तो अभी सुबह से पायल का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी बार उसको मैं समझा चुका हूँ, कोई बात नहीं होता है। चलो पहले की बात अलग थी, जब हमारी शादी हुई थी वो नहीं आए थे, पर अब उनको एक बार सोचना चाहिए, पायल के पास आना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी बड़ी गलती नहीं की उसने कोई। हैं समझा देना थोड़ा सा। मैंने तो समझाया, आप जाओ, मेरी नहीं सुन रही। चीकू मम्मा को समझाओ। चलो पायल क्यों परेशान हो रही है, हैं? ओ लड़की सुन रही है क्या? हाँ जी। बोल दो क्यों परेशान हो रही है, आ जाएंगे है ना भाई? हैं बोला है मैंने, समझाया है, सुन नहीं रही है। मैं फ़ोन करूं क्या कहीं से नंबर लेके? मेरे पास तो नंबर भी नहीं है इनके घर वालों का। एक काम करिए, मनीष भाई है ना पायल के जो भाई हैं, उनसे नंबर मिल सकता है, उनका नंबर तो होगा पायल के पास। पायल मनीष का नंबर है, बात करूँ क्या? फेसबुक से निकाल लेंगे। नहीं करनी। अरे आ जाएंगे ना, क्यों परेशान हो रही है, मैं देखता हूँ बात करके। क्या बोला नितिन, तू चला जा कार्ड देने इनके घर। चलो कभी मारने लग जाए तेरे। देखो यार बहुत टाइम हो गया, मतलब कि बहुत ही टाइम हो गया, मतलब आए नहीं है वो आज तक घर पे, ना उनकी कोई कॉल आई है। तो बच्ची इतनी खुश है, कम से कम एक आधी कॉल करके इसको आशीर्वाद ही दे दो, कुछ नहीं दो। हैं हाँ वो भी ये चाहती है बस बात हो जाए एक बार। चुको चुप करा मम्मा को, चुप हो पायल। सुन रही है क्या दिक्कत हो रही है, सब हैं तो गोलू के मम्मी पापा भी तो तेरे मम्मी पापा हैं, हैं? सुन रही है, फोन करूं? नंबर है तेरे पास? नहीं नंबर नंबर नहीं भी नहीं है मेरे पास, कहीं से नंबर निकल जाएगा, कोई ना कोई नंबर तो मिल जाएगा, घर तो उसे पता है ना। सुन रही है क्या, चूर होती है, चूर होती है, सब है तो है, सब है ना, ये देख कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग तेरे को प्यार करते हैं, कितने सारे लोग पता है, हम तो फिर भी इतना से करते हैं, जो लोग हैं ना तो इतना सारा प्यार करते हैं तेरे लिए ना, मारने पटने तक तैयार हो जाएंगे। अभी तो कल कितनी खुश हो रही थी चूड़े के लिए, ये पता खुश कैसी होगी, कैसे खुश होगी, चूड़ा देख के पानी दे दे। अच्छा इससे खुश हो जाएगी, इसमें क्या था पायल, इससे खुश होती है पायल, फुल हाँ, इसको अच्छा लगता है चूड़ा, मत करा ठीक है।
रो क्यों रही है? फोन कर ले नहीं, तू फोन करेगी तो यार कितना भी बड़ा माँ बाप हो यार दिल तो पिघल ही जाता है उसका। फोन करने वाले तो बन नंबर निकल जाएगा, मनीष भैया से ले लेते हैं, मनीष का नंबर निकाल। चीकू से बात करा दे, कहते ये लो तुम्हारे नाना नाना पोते से बात करा, नाती से हाँ इससे बात करा दे, तू नहीं कर रही तो। सबका दिल पिघलता है, सबके दिल में दिल होता है, पत्थर किसी का नहीं होता, सुन रही है? एक वो तू बात करके देख ले, देखो यार हमारी तो नहीं सुनेंगे, तेरी तो सुनेंगे कम से कम। हम नहीं कर सकते बात ना चीकू, और तू कर सकते हो। चाय पी कुछ और लस्सी में? अब दोबारा रोई ना फिर मैं डेट ना 2 साल आगे ही कर दूंगा अगर दोबारा रोई तो। हैं ये देख सारी महंगी महंगी पलके भी तोड़ ली तूने। ऐसे मत करा कर, अटैक हो जाता है मुझे, तुझे पता है ना तू रोती है जब मेरा 10-20 रुपए का नुकसान हो जाता है। मुझे पता है आप लोग सब मेरे व्लॉग्स देखते हो इसलिए मुझे फोन नहीं करते, आपको पता है मैं खुश हूँ अपने घर में। हाँ इसलिए पर मुझे एक बार पता तो चलना चाहिए ना कि आप लोगों को पता है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। कैसल में गया ना पायल के लोग सारे घर वाले देखते होंगे, देखो ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखते होंगे, पायल भैया सब लोग जानते हैं पायल को, हमारी मतलब हम भी इनकी बदौलत जाने जाते हैं कि पायल का हस्बैंड पायल की बहन। तो आप लोग देखते हो पायल को तो एक बार फ़ोन कर लेना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे, लड़की रोज़ रोती है रात को सोते हुए और फिर मुझे भी रुला देती है क्योंकि मेरे मम्मी पापा मतलब अभी तो हमारे दोनों के मम्मी पापा इधर ही हैं, सारे शिफ्ट यहीं हुए पड़े हैं। तो एक बार फ़ोन कर लेना, इसको नंबर आपको मिल जाएगा, हमारे मैनेजर हैं बहुत सारे लोग हैं, या फिर कोई और हो तो उसका नंबर दे दो, ठीक है? बोलते हैं हम, तू भी बोल दे, बोल चुप हो जाओ, तू भी बोल दे बस। बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे ना रखने का नहीं होता, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है ना? हाँ ऐसे थोड़ी रखते बेड पे, इसको दीवार पे लगाएंगे। मेरा नाम भी है, मेरा नाम भी है इसमें, सिर्फ आपका नाम नहीं है, ठीक है? और मम्मी बेटा वैसे गुस्से में रो के हटी है अभी, ठीक है? इसको रख कर आओ, दोबारा मत टच करियो, ठीक है भैया? मतलब इतनी देर बोलते बोलते चाय मुझे अभी मिली है, और जो ये गोलू थी ना जब पायल रो रही थी बाहर, तो ये गोलू बोले कि ना पायल रो रही है उसके लिए ना छोले कुलचे मंगवा देते फिर खुश हो जाएगी, वो ये कह रही थी। छोले कुलचे से खुश होंगी, तेरे फेवरेट है ना? तो छोले कुलचे ऐसे मौसम में थोड़े छोले कुलचे खाने चाहिए। जब चीकू पेट में था पायल ने पूरे 9 महीने छोले कुलचे खाए, मतलब उसको इतने पसंद है, अभी भी थोड़े दिन पहले भी मेरे दिल्ली वाले पसंद है, हाँ यहाँ के नहीं पसंद है इसको। अब ना बैठ ना, जाके ना थोड़ी शक्ल ठीक करवा ले, गोलू को ले जा साथ में, सामने सैलून में चली जा, ठीक है? कल जागरण में जाना है, ठीक है कल संडे, कल को बंद ना हो जाए ना। तो गाइस हम दिन में काम करते हैं और ये जो दो लोग हैं ना ये रात को इतनी मेहनत करते हैं, ये लड़का ना जो इधर वाला ये तो बहुत ही मेहनत करता है, और इसकी शादी में आप सबको बुलाएंगे, बहुत ही रखी है, वो रखी है, इसका बेटा बच्चा भी है। अरे आराम खोर हैं, हमें भी पता चला था कल, पता जो मुझे हाँ कल ही तो पता लगा है, नितिन भैया ने कॉल खोली है। तो ये है भवदीप, जिनसे हम सारे जितने भी सूट्स हैं हम डिजाइन जो कराते हैं वो यहीं से कराते हैं। और चॉकलेट चॉकलेट चीकू खुश है फुल है, अच्छा है। अच्छा लगेगा ना, आप येलो पहन रहे हो, कलर भी सुंदर है, आप येलो पहनोगे हम ये पहनेंगे, तो आप मतलब गर्ल्स में करते हो? बहुत पर ये हमारे हल्दी और उसके लिए ना चीकू के लिए और नितिन भैया के लिए कुर्ता भी सिला रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इसके मैचिंग की ज्वेलरी निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले निकाले हैं गोलू ने एक कड़े, तो हम पहनेंगे दोनों एक एक कड़ा, मतलब कि एक एक ही सुंदर लगते हैं ऐसे। हाँ। ना पायल ये वाले इयररिंग्स कैसे लगेंगे इसके साथ? हाँ ये भी बहुत सुंदर लगेंगे, बिल्कुल मैचिंग है, बिल्कुल मैच लगेंगे, व्हाइट और वो गोल्डन है ना। गोलू एक काम कर मेरे लिए भी सेम निकाल ले, दो जोड़ी थोड़ी हमारे पास, दो जोड़ी है हमारे पास, याद नहीं देखो दो जोड़ी मिले थे हमें, ये इसके साथ रिंग भी मिली थी, रिंग का तो ढूंढना पड़ेगा यार सामान, रिंग तो पड़ी है, एक तो टूट गई है, दो जोड़ी मिले थे पक्का, दो जोड़ी मिले थे पक्का 101%। पायल ले ले तू रिंग भी पहन लियो, मुझे पसंद नहीं रिंग पहनना। हाँ मैंने लास्ट टाइम भी पहनी, तेरे हाथ पे अच्छी लगती है, अभी तो नाखून नहीं है हाथ पे, कोई बात नहीं लस्सी बना दे बाबू सबके लिए, बहुत गर्मी हो रही है लस्सी पी के ठीक लगेगा, वैसे गर्म की तरफ डाल दे, नहीं नहीं वो नॉर्मल नॉर्मल बर्फ में डालियो। अब पायलो हाँ ऊपर रख ऊपर, तो ये हमारे किसके है, कंबल के हैं क्या? ये हमारे कंबल के जो नए लेके आए थे, मैं सोच रही नीचे रख फालतू बेड में, नहीं नहीं ऊपर ही रख दे गोलू, ऊपर ही रख दे, आ जाएगा पीछे की साइड बहुत जगह है गोलू, नहीं गोलू तू सारा सामान फैला दे तीघर का, रुक जा मैं हाथ लगाती, रुक ये ले बोलो, इतना भारी क्यों हो रहा है ये बटन, इसमें बटन थोड़ी रखना ऊपर, सिर्फ डब्बा रखना है, मुझे लगा बटन, मुझे लगा तूने बोला ये रख दे ऊपर,
डब्बा डब्बा बोला था बटन दीवार पे लगेगा, चीकू का बटन है ये। तभी मैं सोच रही, मैंने कहा यार आएगा नहीं पाल करी, आएगा, मैं कह रही हूँ आएगा नहीं, अब समझ आया खाली तो आ जाएगा। तो खाली के लिए बोला था चीकू, डायनासोर नियर लॉइन है नोनी, देती कोलू तेरी वजह से ना ये घर में ना कूड़ा फैलता ही रहता है, फैलता ही रहता है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी नीचे उतारने की। जिम्मी को दिखाते हैं, इसका रिएक्शन लेते हैं। तो हमारी शांति की सर्विस इतनी जबरदस्त है, मतलब 10 मिनट में लस्सी पेश कर देती है लड़की। नहीं तो बाय बाय गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।